गाइस मैंने कुछ देखा वहाँ पे, मुझे कुछ तो आवाज़ आई है यहाँ पर। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे लगता है लायन है, मुझे से आवाज़ आई है यहाँ पर। ये भागता गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके गाइस, वेलकम बैक टू सो न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को। तो गाइस जैसे मैंने बोला था, आज मैं राजस्थान में जैसे आया हूँ, तो आज मैं आपको एक जाने वाला हूँ कापेश्वर महादेव टेम्पल का। यहाँ पूरा जंगल है और वहाँ पे महादेव जी का ऊपर का जो मतलब जो रहता है ना, वहाँ पे माता जी ने जो अंदर पानी बिछाए थे, वो अभी तक पानी वैसा का वैसा है। गंगा जल बोलते हैं उसको, वैसा का वैसा। वहाँ पे इतना बड़ा घट है, उसमें वैसा का वैसा ही है। अब मुझे वहाँ पे जाने पड़ेगा हमारी बाइक से, तो मैं आपको अपनी बाइक बताता हूँ कैसे ले। वो एकदम नंबर वन बाइक है। वेलकम बैक टू न्यू चैनल। तो गाइस आज मैं अपने बाइक के साथ आया हूँ। तो गाइस आज मैं बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो मैं देखना कितना स्पीड में चला था गाइस। तो देखिए वीडियो के अंदर बने चाहे, देखो 100 के बाहर लेके जाता हूँ बाइक को, देखो कितना स्पीड में चल। जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं पीछे देख सकते हो कितना पर्वत है, कितना पहाड़ है यहाँ पे इलाका, और पीछे देख सकते हो आप यहाँ पर। यहाँ पर तो गाइस मैं यहाँ पे भी थोड़ा ही विजिट है, मैं यहाँ पे आगे बोर्ड लगाए मैं ऐसे सीधा सीधा जा रहा है। बने लीजिएगा, हम चलते हैं। मैं यहाँ पे बहुत दूर से चल के आया, बाइक पे आया हूँ, देखो देख सकते हो। तो हम जाएंगे सीधा कापेश्वर महादेव मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है, आपको कुछ देखने को भी मिलेगा। तो चलते वीडियो के एंड तक देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, देखिए मेरी बाइक है। हमें यहाँ पे कापेश्वर महादेव टेम्पल मार्केट नहीं जाने का, हमको जाने का इसमें जाने का। ये देखिए देख सकते हो, हमें इसमें एंड तक मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे आस पास की चीज़ें, आपको देखता हुआ ये कैसा होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे गणपति का फोटो लगा लिया, गणपति जी का नहीं, ये महादेव कापेश्वर टेम्पल है। यहाँ पे गणपति जी का टेम्पल नहीं है, ये कापेश्वर महादेव जी का टेम्पल है, ठीक है। उसी बात से शुभ लाभ की जगह रखा, लेकिन वो गणपति का नहीं है, ये कापेश्वर महादेव जी का टेम्पल है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितने बड़े। आज फिलहाल यहाँ पे हॉलीडे शायद कोई इतना आया नहीं, इसी वैसे बस आपको बता दिया महादेव जी कापेश्वर महादेव जी का टेम्पल है, गणपति का नहीं है। और एक ये रवि जो है छोटा सा मंदिर, मैं आपको आगे की ले गया, तो आगे भी गया गया। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे मैं आपको वादा किया था वहाँ पे दिखा, तो जंगल है, जंगल में, जंगल में महादेव जी का जो ऊपर का जो पानी का जो टेम्पल रहता है वो वहाँ पे ऊपर है गाइस। तो मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे कितना मतलब पूरा पानी उनका जो गंगा जल का यहाँ पे तो मंदिर का डिस्प्ले होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे, जहाँ पे मतलब महादेव जी गंगा जल का टेम्पल है। ये तो पूरा डी एंड हो गया, अब चलते हैं वहाँ पे, डेंजरस जगह है, जाने से भी डर लगता है, लेकिन चलते। मंदिर के बाहर आ चुके हैं, अभी हम चलते हैं वहाँ पे हॉरर प्लेस पे। पूरा ऐसा पहाड़ी इलाका है, दूर में आगे जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। फटी पड़ी जा अकेला फाइटर में, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, लेकिन एक की तो शादी है, इसी बहन की तो नहीं आ सकता। और जो सेकंड देख सकते हो, आसपास भी कोई नहीं है। देखो कैसे गया सांप का पूरा यहाँ पे, शेप टू शेप गया, देखो पूरा देख सकते हैं आपको। तो यहाँ पे बाइक तो नाम आ भी नहीं सकती है, तो यहाँ पे स्नेक का देखो 100% मैंने बोलता हूँ स्नेक गया, देखो कितना ड्राइव है पूरा स्नेक का जैसे यार डेढ़ा। तो हम आगे चलते, देखते हमको आगे और क्या क्या मिलता है। इस फटी पड़ी है यार, ब्लॉगिंग के चक्कर में क्या मेरा ब्लॉगिंग का डी एंड ना हो जाए। आप हमें तो यहाँ पे चढ़ने का, देखो हमें इतना ऊपर चढ़ने का। और ये मेरे पीछे का नज़ारा देखो, पूरा पहाड़ी इलाका यहाँ पे देखो, देख सकते हो। तो हम सबसे ऊपर जाने वाले गए, सबसे ऊपर। तो मुझे ओ गाइस यहाँ पे जो आपको बता दो ना, भी आप देख रहे हो ना ब्रिक्स, जैसे जिसकी इच्छा रहती ना तो ये यहाँ पे बना के जाती है। देखो जैसे किसका कोई हाउस हुआ, मुझे भी मम्मी ने बताया था, जैसे आप ये देख सकते हो बना हुआ, कोई अपना हाउस बांधता है ना तो कितने ऊपर का बांधना चाहिए, तो उसको ऐसा करके जाती।
यहाँ पे, तो मतलब ऐसा का वैसा ही रहता, कभी हिलता डुलता नहीं। जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो यहाँ के आप लोग आके गिरा सकते। लेकिन गाइस ये आपने पूरा ब्लॉग देखा ही नहीं, अभी तो ऊपर चलूँगा मैं, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। फिर से देख लीजिए, ये देखो इतना ऊपर गाइस, ऐसे मेरी हालत टाइट होने वाली है। नज़ारा बताऊंगा कितना ब्यूटीफुल नज़ारा लगता है, एकदम ब्यूटीफुल, ऊपर से पूरा आपको देखने को मिलेगा। चल रहा है, पर्वत देख सकते हैं। ये गाइस ये महादेव जी के गंगा जल का टेम्पल है, ये सामने उनका छोटा सा मंदिर है, ये उनका है। और यहाँ पर ये बोर्ड लगा है, श्री कावटेश्वर महादेव जी का प्रसिद्ध चमत्कारी स्थान दिते बेरी बैरी अमर गंगा। ये देखो गाइस अमर गंगा लिखा है इधर। इतना कचरा डालते क्यों अंदर यार, इतना अच्छा गंगा जलता है यार, लेकिन लोग कचरा अगर समझते नहीं, लोगों को बोर्ड लगाए तो भी सारे कुछ अनपढ़ जाहिल गवार लोग होते ना, पूरा अंदर डाल लेते, गंदा कर देते। दिमाग में ये क्या लिखा है, सामने मेरे पीछे बोर्ड भी पड़ा गया शुद्ध गंगा जल है, तो इनको दिखता नहीं है यहाँ डालने चाहिए कपड़े, इतने यहाँ पे जगह पड़ी है तो उतना ही लोग पूरा गंदा कर दिया। देखो उसके अंदर टर्टल भी है, एक टर्टल भी है, कितना देखो वहाँ पे कोने में टर्टल भी, वहाँ को बता अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखा दें यहाँ पे क्या था चीज़, ये पीछे पीछे बोर्ड भी लगा है, मैं आपको उसका फोटो भी लगाऊंगा क्या लिखा है अंदर। अभी हम चलते आगे तरफ, आपको वहाँ का बाहर का पूरा नज़ारा बताओ कैसे दिखता है। वहाँ पे एक छोटी सी गुफा है, मैं आपको गुफा बताता हूँ, देखो कितना गुफा है वहाँ पे, मैं आपको जूम करके गुफा देख सकते हो, मेरी तो फट रही है भाई। तो हेलो गाइस, जैसे मैं आपको ऊपर ऊपर का पूरा नज़ारा बता दिया वहाँ पे क्या है क्या है, कैसे इतना बड़ा पर्वत है, फोटो शूट के लिए एक नंबर जगह है। तो वही मैं नए शूज़ भी लेके आता, लेकिन अभी मेरे को वहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए। अभी हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो मैंने ऊपर के दर्शन कर लिए, जैसे को पीछे कितना बड़ा पर्वत है। अब नीचे चलने को फट रही, पैर इतना नीचे घसीटते जा रहा ना, जैसे कि आप अभी के अभी नीचे गिर जाओगे। बाप रे, मैं आपको बताता हूँ वैसे ही गाइस, अभी जैसे कि मेरा ब्लॉग शूट हो गया, तो मैं हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर हमारी बाइक के पास। गाइस ये डरावना जगह देखने में बहुत डरावनी लगती है गाइस, कसम से बोल दो, यहाँ पे ना अभी भी मुझे आगे से डर लग रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, इतना सुन पड़ा है ना, मेरी अकेले की फट रही है। मैं आगे का ब्लॉग आगे बढ़ूँगा गाइस, इधर मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अंकल ने बोले थे कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी आ सकते, कोई मालूम नहीं सकता, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी आ सकते, शेर टाइगर तो है, लेकिन आपको संभाल के रहने का, पेड़ पर चढ़ने से अपने को पेड़ पर चढ़ने की आदत ही नहीं है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ आगे, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगा, मैंने कुछ देखा वहाँ पे, मुझे कुछ तो आवाज़ आई है यहाँ पर। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे लगता है लायन है, मुझे से आवाज़ आई है यहाँ पर, कुछ नहीं ये भागता यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे भागता। तो गाइस मैंने कुछ तो देखा वहाँ पर, कुछ तो था वहाँ पर गाइस, वहाँ का यहाँ पे बंदर देखिए आप, बंदर कैसे कपल्स बैठे, कितने स्वीट से ना, बंदर ही बंदर गाइस। लेकिन बाहर निकल चुके, लेकिन मैं आपको बोला वहाँ पे टाइगर था, मैंने देखा आवाज़ आई हल्की हल्की सी, फिर बंदर आ गए, बंदर भी वहाँ से उछल कूद करने लगे गाइस। अब मैं आपको आगे का सीन बताता हूँ, ये देखो बंदर कितने हैं, देखो गाइस बंदर से देख सकते हो आप। ओके गाइस, तो मैंने जैसे वहाँ से मैं निकल गया, वो वहाँ से जहाँ महादेव जी का जो पानी था, मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। तो अभी गाइस मैं यहाँ गाय के साथ काऊ के साथ यहाँ पर ही खड़ा हूँ, अगर आगे पीछे कोई नहीं, पीछे बहुत बंदर है, ज़्यादा टाइम बंदर दिखेंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बंदर दिखा लिया, अभी मुझे एक शादी है, वेडिंग वहाँ पर अटेंड करने का, तो मुझे वहाँ पर जाने का है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जैसे हम बाहर आ चुके हैं सड़क के बाहर, में देख सकते हो बाहर आ चुके, तो अब आप मेरी बाइक की राइडिंग देखना, मैं किस तरह की स्पीड में बाइक की राइडिंग चलाता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बाइक है, ये देख सकते हो यहाँ पे, तो बाइक चलाता हूँ, पूरा राइडिंग